नमस्कार, मैं रितेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की 21.4 की एक नई अपडेट में। बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप की जो 21.4 की अपडेट दी गई है, इसमें आप लोगों के लिए 5 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जैसे कि आप लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी पोषण ट्रैकर ऐप में, जो एक बग था पोषण ट्रैकर ऐप में। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जब आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर रहे थे तो जो डेट एंड टाइम का पॉपअप आप लोगों को बार बार देखने को मिल जा रहा था, जो सारी सेटिंग थी, सेटिंग करने के बाद भी नेक्स्ट डे जो है कि वो आप लोगों को पॉपअप देखने को मिल जा रहा था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पे अब बिल्कुल ही ठीक कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग इस अपडेट को करेंगे तो वो प्रॉब्लम आप लोगों की यहाँ पे एकदम फिक्स हो जाएगी, अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, साथ में और भी 4 महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो में पूरी जानकारी देख लेते हैं क्या क्या अपडेट दिया गया है। ठीक है, सभी सेविका बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिए, सभी चीज़ों को समझिए। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने पोषण ट्रैकर ऐप का जो 21.4 का अपडेट है इसको हमने कर लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ से पोषण ट्रैकर ऐप को बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पे पोषण ट्रैकर लिख के सर्च करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप का जो ऐप है वो आ चुका है और यहाँ पे आपको अपडेट देखने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ से सिंपली इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एरो पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं और भी क्या क्या यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो किए गए हैं। देखिए, पहला जो बदलाव है आप लोगों को यहाँ पे CBE एंड VHSND का जो कैलेंडर इशू था उसको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग इवेंट वाले ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, इवेंट वाले ऑप्शन में आने के बाद जैसे कि आप VHSND करती थी, जैसे कि टीकाकरण का जो डेट है यहाँ पे आप लोग भरती थी, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कैलेंडर की जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे आप लोगों को हो रही थी, तो उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। और यहाँ पे CBE का जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें भी आप लोग जो गतिविधि ऐड करती थी, गोद भराई, अनप्राशन, जो भी गतिविधि आप लोगों को यहाँ होता है वो गतिविधि ऐड करने में यहाँ पे जो समस्या आ रही थी उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। यानी अब आप लोगों को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोग आसानी से यहाँ पे इवेंट वाला ऑप्शन को अब भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा अपडेट दिया गया है, कीबोर्ड डिस्प्ले इशू, यानी कि बहुत सारी सेविका बहनों को कीबोर्ड डिस्प्ले में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही थी टाइपिंग करने में या कुछ लिखने में, तो वो प्रॉब्लम भी आप लोगों को यहाँ पर इस अपडेट के बाद फिक्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो डेट एंड टाइम का पॉपअप है वो आप लोगों को बार बार देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं उस प्रॉब्लम को यहाँ पे करेक्ट कर दिया गया है। डेट एंड टाइम पॉपअप बिहेवियर, यानी कि जो पोषण ट्रैकर ऐप के द्वारा इस प्रकार से जो समस्या हो रही थी तो उसको यहाँ पे अब एकदम फिक्स कर दिया गया है। इस अपडेट के बाद आपको वो जो समस्या है वो अब देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो चौथा बदलाव किया गया है इसको आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है, ये बदलाव क्या है और कैसे यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक है, लिखा गया है एडेड डिस्टेंस मूवमेंट इंडिकेटर ऑन द कैमरा स्क्रीन फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में अभी कुछ जगहों पे जो है फेस ऑथेंटिकेटिंग किया जा रहा है। जैसा कि वहाँ पे फेस ऑथेंटिकेटिंग करने में वहाँ पे जो सेविकाएँ हैं जैसे कि उनका फेस कैप्चर नहीं कर पा रही हैं, तो उसको यहाँ पर एक करेक्ट पोजीशन दिया जा रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार से खड़े होकर जो फेस ऑथेंटिकेटिंग है वो किया जाएगा। ठीक है, यानी कि वहाँ पे एक सिंबल दिया जाएगा कि आप लोग यहाँ पे खड़े होकर जो फेस ऑथेंटिकेटिंग है वो कर सकते हैं। जैसे लाभार्थियों का THR के समय भी जो बताया गया था कि THR के समय भी फेस ऑथेंटिकेटिंग करना है, तो उसके लिए जो ये अपडेट है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो 5वां अपडेट दिया गया है, एक्सपेंडेड फेस रिकॉग्नाइजेशन फीचर टू इंक्लूड रांची डिस्ट्रिक्ट, यानी कि रांची डिस्ट्रिक्ट में भी फेस रिकॉग्नाइजेशन का जो है अपडेट दिया गया है कि रांची डिस्ट्रिक्ट में भी जो लाभार्थी हैं उनका यहाँ पे फेस कैप्चर करने के लिए जो अपडेट है वो यहाँ पे दिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 जो अपडेट दिए गए हैं, जिसमें कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थे आप सभी के लिए जो पोषण ट्रैकर पर काम करती हैं, जिनको काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही थी, जैसे कि डेट एंड टाइम को लेकर, CBE में जो कैलेंडर इशू हो रहा था उसको लेकर, और यहाँ पे जो कीबोर्ड डिस्प्ले है उसको लेकर यहाँ पे जो इशू हो रहा था उसको यहाँ पे अब पूरी तरीके से फिक्स कर दिया गया है। अब आप लोग यहाँ पे आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट यही है आप लोगों के लिए पोषण ट्रैकर ऐप 21.4 के लिए। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।